Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विथ हमीश सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 के लिए इंग्लिश फर्स्ट पोएट्री का चौथा पार्ट है। पार्ट का जो नाम दिया है फ्रॉम एन इग्ली रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, जिसके लेखक है थॉमस ग्रे। ये जो लेखक का नाम दिया गया थॉमस ग्रे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अच्छे लेखक है। इस पार्ट में यह बताया गया है कि जैसे कि जो हमारे पूर्वज होते हैं मरने के बाद जो कब्र में दफन हो जाते हैं वह उसी कब्र में हमेशा रहते हैं, अर्थात कब्रिस्तान में हमेशा रहते हैं, वह उसी के बारे में बताया गया और कब्रिस्तान से रिलेटेड इसका कहानी बताया गया है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और इसमें जानना चाहते हैं और जानेंगे कि यह इस कहानी में क्या क्या बताया गया है। उससे पहले एक बात बता दें, अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो की स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बताया गया, क्या कहानी है। दिया द कर्फ्यू, द कर्फ्यू टोटल द नील्स ऑफ पार्टिंग्स डे, ऑफ पार्टिंग्स डे द लॉइंग्स हैड्स बीन स्लोली अ ईयर द ली द प्लाउज मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। इसमें ये दिया गया, इसको हम लोग तो पढ़ लिए, तो चलिए अब इसका हम ये बता दे रहे हैं कि इसमें एक एक का अर्थ क्या होगा। तो अर्थ बता दे रहे हैं, एक चीज़ और बता दे, जैसे यहाँ पे जो हम लोग को दिया गया इलेगी, इलेगी में इसको क्या होता है शोक गीत, शोक गीत। एक चीज़ और दिया चर्च यार्ड, चर्च यार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान, चर्च यार्ड में क्या होता है कब्रिस्तान। यहाँ पे दिया कर्फ्यू, यहाँ पे जो दिया है कर्फ्यू, कर्फ्यू का मतलब ये होता है संध्या समय गिरजाघर में जो घंटी बजती है उसका यहाँ से मतलब है, ठीक है। टोल्स में होता है क्या रिंग, रिंग में होता है बजना या बजाना। नील दिया यहाँ पे, जो नील, नील नील का मतलब होता है साउंड से, मतलब घंटी की ध्वनि या ध्वनि से लिया गया है, ठीक है। आगे दिया इसमें पार्टिंग, पार्टिंग मिस होता है समाप्त होना, डे मिस होता है दिन, मतलब पार्टिंग डे दिया है तो दिन जो समाप्त होता है उसके बारे में कहा गया है। यहाँ पे लोइंग दिया गया, लोइंग, लोइंग मिस होता है रंभते हुए, हैड, हैड मिस क्या होता है पशुओं का झुंड, विंड, विंड्स मिस होता है चलता है। वेरी, जो वेरी दिया गया यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप लोग, वेरी वे, वेरी मिस होता है थका हुआ। उसको दिया प्लॉट्स, प्लॉट्स इन सॉरी प्लॉट्स हिज वेरी वे, यहाँ पे इस पूरे का मतलब ये हो जाएगा कि दिन भर के काम में थका किसान धीरे धीरे अपने घर की ओर चलता है। जैसे यहाँ पे होमवर्ड दिया ना, तो होमवर्ड मतलब अपने घर की ओर चलना होता है। यहाँ पे डार्कनेस, डार्कनेस में से हम लोग जानते हैं क्या होता है अंधकार होता है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ के और इसका अर्थ बताते हैं। तो दिया है द कर्फ्यू टोल्स द नेल्स ऑफ पार्टिंग डे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि गिरजाघर की घंटियाँ, जो गिरजाघर की घंटियाँ थी ना बजती हैं, जिससे यह ज्ञात होता है। जब गिरजाघर की घंटियाँ कब बजती है, दिन के उगते समय और दिन के डूबते समय, तो इससे यह ज्ञात होता है कि दिन समाप्त हो गया है, ठीक है। इसमें पहले लाइन में यह बताया गया है कि जब गिरजाघर की जब घंटियाँ बजती है तो इससे यह मालूम चलता है कि अब दिन समाप्त हो गया है, ठीक है ना। आगे दिया द लोइंग्स हैड विंड्स स्लोली ऑल द ली, इसका मतलब ये होता है पशुएं जो थे ना, जो वहाँ पे पशुओं का जो झुंड था या जो भी गाय भैंस जो भी थी उनका जो झुंड था, वह चारागाह से अपने घर की तरफ रमते झमते चल दिए हैं। ये दूसरे लाइन का ये मतलब होता है कि जो पशुएं थी या जो भी वहाँ पे गाय, जो भी उनके घर जो भी गाय भैंस थी, वह शाम के समय चारागाह से अपने घर की ओर रमते हुए चल दिए हैं। आगे दिया है द प्लाउज, यहाँ पे दिया द प्लाउज मैन होमवर्ड प्लूट्स हिज वेरी वे, इसका मतलब अभी जस्ट बताए हैं, चलिए फिर एक बार बता दिए कि थका हुआ किसान, प्लाउड मैन मिस होता है किसान, तो इसमें दिया पोल्स हिज वेरी वे मतलब थका हुआ, तो थका हुआ किसान भी घर की ओर धीरे धीरे
आ रहा है। जो थके हुए जो किसान थे वो भी अपने घर की ओर धीरे धीरे आ रहे थे। एंड और लिप्स द वर्ड एंड डार्कनेस एंड सॉरी लिप्स द वर्ड्स टू डार्कनेस एंड टू मी। इसका मतलब हो जाएगा कब्रिस्तान में जो अंधेरा है या कब्रिस्तान में जो अंधकार है उसका ये बताया गया है कि कब्रिस्तान में जो अंधकार है तथा कवि के अलावा वहाँ पे कोई नहीं है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है क्या कि कब्रिस्तान में अंधकार हो गया एंड टू मी और कवि के अलावा वहाँ पे कोई नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे इसके देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, आगे का हम बताते हैं। दिया है ब्रिथ दोज रॉक्स इलेम्स, यहाँ पे दिया ब्रिथ दोज रॉक्स इलेम्स येड यू ट्रीज शैडो वेयर हैवेंस द ट्रूफ्स इन मैनी अ मोल्डरिंग्स हिप्स ईच इन हिज नैरो सेल्स फॉर एवर लेड द रूट्स फॉर फीदर्स ऑफ द हैमलेट स्लिप। यहाँ तक हम लोग का एक पैराग्राफ है, तो चलिए हम लोग इसका मीनिंग पहले जान लेते हैं। मीनिंग जानने के बाद हम लोग इसका एक एक का लाइन करके अर्थ बता देंगे। तो इसमें मीनिंग बता देते हैं। पहला मीनिंग क्या दिया है, ब्रिथ, ब्रिथ मीन्स क्या होता है नीचे, ब्रिथ मीन्स होता है नीचे। रूड, रूड होता है जो रूड का मतलब ये होता है पुराने तथा फद्दे, मतलब पुराने से ले लेंगे। इलेम्स, इलेम्स मीन्स क्या होता है एक प्रकार का जंगली वृक्ष। यू, यू मतलब क्या होता है सदाबहार का वृक्ष, जो एक प्रकार का जो जंगली वृक्ष है वह सदाबहार का वृक्ष है। उसको दिए हैविस, हैविस मीन्स होता है उठती हुई, यहाँ पर जो दिए हैविस, हैविस मीन्स होता है उठते हुए या जगते हुए। ट्रूप मिस होता है सूखी घास, यहाँ पे ट्रूप मिस होता है सूखी घास। आगे दिया है मॉडलिंग, मॉडलिंग यहाँ पे है ना मॉडलिंग, मॉडलिंग मिस होता है मिट्टी झरते हुए, मतलब धीरे धीरे टूटते हुए। जैसे मिट्टी दरार काटना होता है ना, तो वही मिट्टी जब धीरे धीरे टूटती है तो उसी के बारे में कहा गया है। हिप, हिप मिस क्या होता है ढेर, मतलब मिट्टियों का ढेर। उसको दिया नैरो, नैरो, नैरो मिस क्या होता है सरकरा, मतलब सरकरा होता है। आगे दिया उसमें जानते हैं नैरो से पहले भी दिया सेल, यहाँ पे सेल में होता है पूर्वज, सेल यहाँ पे दिया है ना, सेल मिस होता है पूर्वज। उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं हैमलेट, हैमलेट जो यहाँ पे दिया है हैमलेट, हैमलेट मिस होता है छोटा गांव। लेड, लेड यहाँ पे एक साइड में दिया, लेड मिस होता है दफनाए हुए। फॉर फीदर्स, फॉर फीदर्स मिस होता है पूर्वज, फॉर फीदर मिस होता है पूर्वज। और सॉरी सेल मिस होता है छोटी कब्र, सेल जो दिया गया इसका मतलब होता है छोटी कब्र, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग इसका अर्थ बताते हैं। दिया ब्रिथ दोज रॉक्स इलेम्स डेट येट ट्री सैड, मतलब क्या होता है जो निर्धन ग्रामीण जो व्यक्ति है ना ई एल एम एस के वृक्ष के नीचे या तथा सदाबहार के वृक्षों के नीचे अनेक कब्र हैं, जो पुराने पूर्वज थे वो उस वृक्ष के नीचे दबे हुए हैं या उस सदाबहार पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। वेयर हिप्स द ट्रूप्स इन मैनी, हिप्स द ट्रूप्स इन मैनी क्या दिए मोडरिंग्स हिप, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जहाँ पे सूखी घासें उगी हुई हैं, क्या है सूखी घासें उगी हुई हैं। अब आगे देखिएगा, इसमें आगे बता दे रहे आगे दिया इसमें से देख लीजिएगा इच इन हैज नैरो सेल फॉर एवर लेड, इसका मतलब क्या होता है ये कब्र जो होती हैं ये छोटी छोटी कब्र होती हैं मिट्टी का ढेर लगती हैं, ठीक है मतलब जैसे मिट्टी की तरफ उभर ऐसे उभरा हुआ लग जाता है ना ढेर, तो वही बताया था उसमें मिट्टी का ढेर लगता है। आगे दिया है द रूट्स फॉर फीदर्स फॉर द हैमलेट स्लिप, मतलब क्या हो जाएगा इनकी सकरी कठोरियों में कोठरियों में, जैसे जो कोठरियाँ होती हैं उनमें तो इनकी सकरी कोठरियों में क्या होती हैं अर्थात कब्रों में गाँव वाले या गांव वाले पूर्वज या गांव के पूर्वज जो लोग होते हैं हमेशा के लिए लेट गए हैं, ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग चाहते हो तो कमेंट में लाइक करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि एक बार और बता दिया जाए तो एक बार और बता दिया जाए आप लोगों। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया है द ब्रिज सेल्स इन ऑफ इंक्रीजिंग ब्रीथिंग मॉर्निंग द सैलो ट्विलिंग्स फॉर फ्रॉम द स्ट्रांग बुलेट सेड द क्लॉक्स सिलिंग कार्लिंग्स ऑन द इचुइंग्स हॉर्स नो मोर सेल्स रोज देम फ्रॉम देयर लवली लवली बेड्स। इसमें पहले हम लोग इसका मीनिंग बताते हैं, उसके बाद ब्रिज, ब्रिज मिस होता है प्रातःकाल की ठंडी हवा,
ये जो ब्रिज या ब्रिज में होता है प्रातः काल की ठंडी हवा। इनसेंट, इनसेंट में होता है सुगंधित, ठीक है ना। ब्रिटनिश में होता है सांस लेना। मॉर्न में होता है यहाँ पे जो दिया सुबह। आगे दिया है सैलो, सैलो में होता था अबाबिल का पक्षी, अबाबिल पक्षी होता है वही क्या, अबाबिल का पक्षी। उसको दिया ट्विलिंग, ट्विलिंग जो ट्विलिंग में होता है चहचहाना। उसका दिया स्ट्रैबलुट्स, स्ट्रैबलुट्स यहाँ पर दिया है ना, इसका मतलब तिनके से बना हुआ। उसको दिया क्या सिरली, सिरली में होता है तीखी या तेज। कैरलियन, कैरियन में होता है क्या आवाज़। इचोन में होता है गूंजना। राउज, राउज में होता है जगाना, राउज में होता है क्या जगाना। लवली बेड में क्या होता है साधारण कब्र, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसमें हम एक एक करके इसमें मीनिंग हम लोग बता देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। तो दिया द ब्रिज सेल्स ऑफ इंक्रीज ब्रीथ मॉर्न, द ब्रिज सेल्स ऑफ इंक्रीज ब्रीथिंग मॉर्न। इसका मतलब क्या हो जाए, प्रातः काल की शीतल जो सुगंधित वायु की आवाज़ है, ठीक है प्रातः काल की जो शीतल वायु की आवाज़ है। द सैरलिंग ट्विलिंग्स फ्रॉम द स्ट्रेंग ब्लूट सेड, मतलब ये हो जाएगा इसका। तो जो इसमें दिया है क्या दिया, द सॉर्लिंग ट्विलिंग्स फ्रॉम द स्ट्रेमिंग ब्लूट सेल्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे तिनके से बने घोंसले हैं, जो तिनके से बने अबीब या अबील, अबील चिड़ियों की चहचहाने हैं या मुर्गे की तरह तेज आवाज़ हैं, तो वो क्या दिए द कॉक्स सिरलिंग क्रूलिंग्स और द इचोनिंग हॉर्स, मतलब मुर्गे की तरह जो तेज आवाज़ है अर्थात शिकारियों के जो बिगुल है ना, इसमें दिया द इचोनिंग्स हॉर्न, मतलब होता है शिकारियों का बिगुल। तो नो मोर सेल्स, नो मोर सेल्स राउसिंग देम्स फ्रॉम देयर लवलिंग बेड, नो मोर सेल्स फ्रॉम लाउसिंग देयर क्या हो जाएगा लवलिंग बेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इन मृत्यु पूर्वजों को कब्र से नहीं उठा पाएगी, ठीक है जो मरे हुए पूर्वज हैं उनको इससे कब्र से नहीं निकाल पाएगी, इसका ये मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं जो चौथा हम लोग का पैराग्राफ है। दिया लेट नो एम्बिशंस, लेट नो एम्बिशंस मॉक देयर यूजफुल टॉयल, मॉक देयर यूजफुल टॉयल देयर होमली जॉय, देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनेट ऑबिक्यूस नॉर ग्रेनर्स हेयर विथ अ डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनाइंस ऑफ द पुअर, ठीक है यहाँ तक हम लोग का सेकेंड पैराग्राफ आ जाता है, सॉरी चौथा पैराग्राफ आ जाता है। तो इसमें बता दे रहे हैं मीनिंग, एम्बिशन, एम्बिशन में होता है महत्वाकांक्षा। मॉक, मॉक यहाँ पे जो दिया मॉक आप देख सकते हैं आप लोग, मॉक मॉक मिस क्या होता है उपहास, उपहास करना। टॉयलेट, टॉयलेट मिस होता है परिश्रम करना, टॉयलेट मिस होता है परिश्रम करना। होमली, होमली यहाँ पे दिया ना होमली, होमली मिस ये होता है साधारण। डेस्टिनेट मिस होता है भाग्य, डेस्टिनेट मिस होता है भाग्य। ऑब्सक्यूज, ऑब्सक्यूज यहाँ पे दिया है इसका मतलब ये होता है कि अस्पष्ट या अंधकार पूर्वक। ग्रेनिंग मिस होता है शान, जो ग्रेनिंग यहाँ पे नॉट ग्रेनिंग नहीं दिया, ग्रेनेरिंग मतलब होता है शान अर्थात यह तपस्या शानदार तथा शक्तिशाली व्यक्तियों से है, ठीक है ना। या उसमें दिया है डिसडेनफुल मतलब होता है घृणा से भरपूर, डिसडेनफुल स्माइल नहीं दिया घृणा से भरपूर स्माइल दिया ना। एनल्स, एनल्स मीन्स होता है इतिहास या साधारण अभिलेख, एनल्स मीन्स होता है इतिहास या साधारण अभिलेख, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग अर्थ बताते हैं। दिया लेट नो एम्बिशंस मॉक देयर यूजफुल टॉयल, इसका मतलब ये होता है महत्वाकांक्षा व्यक्ति या महत्वाकांक्षी व्यक्ति को कब्र में दफन हुए या कब्र में दफनाए हुए निर्धन व्यक्तियों की उपयोगी श्रम है, निर्धन व्यक्तियों की उपयोगी श्रम या मेहनत है, ठीक है ना। देयर होमली जॉयस एंड डेस्टिनेट ऑब्ट्यूस, साधारण वस्तुओं में जो साधारण वस्तु है ना उनमें आनंद तथा अंधकारपूर्वक भाग्य का उपहास नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एकदम अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके मरने में हम लोग को ज़्यादा खुशी नहीं जताना चाहिए। आगे दिया है नो ग्रैंडलिंग शेयर्स विथ अ डिसडेनफुल स्माइल, इसका मतलब ये हो जाएगा कि धनी तथा शक्तिशाली व्यक्तियों को इन गरीब व्यक्तियों के छोटे तथा, ठीक है ना, द शॉर्ट एंड सिंपल्स एनालाइज ऑफ द पुअर, मतलब इन छोटे व्यक्तियों को मतलब गरीब व्यक्तियों के
गरीब व्यक्तियों के साधारण जीवन या इतिहास को घृणापूर्वक स्माइल से या मुस्कुराहट से नहीं देखना चाहिए। मतलब ये हो जाएगा कि जैसे जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो छोटे व्यक्तियों के मरने के ऊपर या उनके जीवन के ऊपर उनको वो यह नहीं जताना चाहिए कि ये छोटे या गरीब लोग हैं, इनके जीवन के ऊपर उन्हें हंसना नहीं चाहिए। ये हम लोग का लास्ट ऑफ पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। द बोर्ड्स ऑफ हेडिंग ड्राई द पम्प्स ऑफ पावर्स एंड ऑल डेट ब्यूटी ऑल डेट वेल्थ एवर्स ग्रेव अवेटिंग अलाइक्स द इन्वेस्टिबल्स हावर द पथ ऑफ ग्लोरी लेट्स बट द ग्रेव। ठीक है ना, इसमें जो मीनिंग है बता दे रहे हैं, बोर्ड्स ऑफ हेल ड्राई, जो इसमें मीनिंग दिया है बोर्ड्स ऑफ हेल ड्राई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसका ये हो जाएगा उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान। ठीक है ना, जो बड़े परिवार में जन्म लेते हैं उनका पोम, पोम मिस होता है सन। आगे दिया अवेट्स, अवेट्स यहाँ पर दिया है अवेट्स, अवेट्स का मतलब ये हो जाएगा प्रतीक्षा करती हुई। अलाइक, अलाइक मीन्स क्या हो जाएगा, समान रूप से। इन्वेस्टिबल हावर, इन्वेस्टिबल मीन्स होता है मृत्यु का समय, मतलब सबके लिए मृत्यु का समय आ जाता है तो कोई टाल नहीं पाएगा, जो पैसेवर हो या ना हो वो भी। ग्लोरी मीन्स होता है यस, यस सन। बट मीन्स केवल, ग्रेव मीन्स क्या होता है कब्र। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग हिंदी बताते हैं। दिया द ब्रॉड्स ऑफ हेल ड्राइज द पम्प्स ऑफ पावर्स, इसका मतलब उच्च परिवार में जन्म लेने के सेखे मारने वाले, मतलब जो बड़ी परिवार में जो जन्म लेते हैं उनका अभिमान करने वाले। आगे दिया एंड ऑल डैट ब्यूटी ऑल डैट वेल्थ एवर ग्रेव, मतलब क्या हो जाएगा, शक्ति का अभिमान करने वाले सुंदर व्यक्ति तथा धनी व्यक्ति सभी की मृत्यु प्रतीक्षा करती है। ठीक ना, दिया है एंड ऑल डेड ब्यूटी, मतलब सब सुंदर व्यक्तियों के ऑल डेड वेल्थ ग्रेव्स अवेट अलाइक, मतलब सब धनवान व्यक्तियों की मृत्यु प्रतीक्षा करती है। अलाइक द इनवेटिबल हावर्स, इसका मतलब ये हो जाएगा अर्थात मृत्यु का शिकार होते हैं सब लोग, क्या होते हैं, मरते जरूर हैं। आगे द पथ ऑफ ग्लोरी लेट बट टू द ग्रेव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैभव के रास्ते जो होते ना कब्र की ओर ही जाते हैं, अर्थात मृत्यु से कोई नहीं बच पाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करते साथ में चलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ हमीश सर को एंड प्रेस द अपर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।